सोने की दुकानों में हेलमेट लगाकर एंट्री पर पाबंदी। कोई संदिग्ध दिखते ही स्टोर में बजाया जाएगा सायरन। सोने की दुकानों में हेलमेट लगाकर एंट्री नहीं हो सकती। कारोबार के दौरान कोई संदिग्ध दिखने पर स्टोर में सायरन बजाया जाएगा। चांचल में डकैती की घटना से सीख लेकर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने यह सुझाव दिया है। साल के पहले दिन सोमवार को ओल्ड मालदा नगर पालिका क्षेत्र में स्थापित कुछ सोने की दुकानों का पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने इंग्लिश बाजार शहर की कई प्रसिद्ध सोने की कंपनियों पर भी निगरानी रखी। विभिन्न ज्वेलरी कंपनियों के मालिक और कर्मचारियों से बात की। पुलिस अधिकारियों ने दुकान में किसी के संदिग्ध दिखने पर सायरन सिस्टम सक्रिय करने के आदेश दिए हैं। ज्ञात हो कि पिछले 25 दिसंबर को क्रिसमस त्योहार की शाम 5 से 6 बजे हथियारबंद बदमाशों ने चांचल नेताजी मार्केट में एक सोने की दुकान में लूटपाट की थी। बदमाशों का समूह करीब 5 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के आभूषण लूटकर फरार हो गए। पुलिस उस आपराधिक ग्रुप की एक लिंक मैन को गिरफ्तार कर चुकी है। मालदा जिला स्वर्ण व्यवसायी संघ के सदस्य रिपन गोस्वामी ने कहा कि ओल्ड मालदा थाने की आईसी हमारी दुकान पर आए थे। बैंक के बाहर जैसी मशीन लगी रहती है जो सायरन बजाती है, इसी तरह सोने की दुकान के बाहर भी सायरन मशीन लगाई जाएगी, जिसका स्विच दुकान के कर्मचारियों एवं मालिकों के पैरों से सटा कर रखा जाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार के हेलमेट पहनकर दुकान में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। विभिन्न स्वर्ण व्यवसायी पुलिस के इन निर्देशों का पालन करने जा रहे हैं। ओल्ड मालदा थाने के आईसी हीरक विश्वास ने कहा कि व्यापारियों को जागरूक करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। हालांकि ज्यादातर सोने की दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। स्वर्ण व्यवसायी इस निर्देश का अनुपालन करेंगे और तभी अपराधी पकड़े जाएंगे, साथ ही अपराध में भी काफी कमी आएगी। তো আমাদেরকে কিছু গাইডলাইন দিলেন, গাইডলাইনগুলো মেনে চলতে বললেন। আর কাস্টমারদেরকে ওই হেলমেট যারা যেটা পরে আসে মানে হেলমেটটা খুলে আসতে বললেন। সিসিটিভিগুলোকে ওই মনে করেন বললো করতে, আর আলার্মের ব্যবস্থা করতে বললো। ওই আলার্মের যাতে এই যেটা সুইচটা পায়ের মধ্যে থাকে, ওই পায়ে থাকে আমাদের আলার্ম থাকতে হবে। কোন মার্কেট এটা? কেমন লাগলো এই উদ্যোগ প্রশাসন? কি নাম আপনার? রিপন গোস্বামী।